हेलो दोस्तों, बिंदल लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम डॉक्यूमेंटेशन की ड्राफ्टिंग व रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं तो उस विषय में हम लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं। अक्सर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए और ड्राफ्टिंग के लिए कातिब के पास जाते हैं, क्योंकि समाज में ये विश्वास है कि कातिबों को डॉक्यूमेंटेशन का अधिक ज्ञान होता है, अधिक अनुभव होता है और उनकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत अच्छी सेटिंग होती है जिससे काम आसान हो जाता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन किसी भी ट्रांजैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जरा सी गलती बहुत बड़े नुकसान और बहुत बड़े लिटिगेशन को जन्म दे देती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सिविल लिटिगेशन में 50% लिटिगेशन केवल डॉक्यूमेंटेशन की गलती से होता है। अब गलतियां कैसी होती हैं आपको बताता हूं। नाबालिग की प्रॉपर्टी बेच दी, जबकि नाबालिग की प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किए बगैर अगर नाबालिग की प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो गया, सेल डीड हो गई, तो वो सेल डीड वॉइड होगी और नाबालिग कभी भी आकर उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। आपके राइट्स अफेक्टेड हो गए, नाबालिग आपको नहीं बताता है। ट्रांजैक्शन पूरा ना दिखाना, मान लीजिए 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है, उसका ट्रांजेक्शन का जो पेज होता है उसमें ट्रांजेक्शन दिखला तो दिया कि इतने रुपए के चेक से पेमेंट किया गया, लेकिन उस चेक का कहीं भी एंट्री नहीं। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। कभी भी आदमी आगे कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ, पेमेंट पूरा मिला ही नहीं मुझे। वारिसानों का उल्लेख नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके समस्त वारिसानों का उल्लेख होना चाहिए, वो नहीं दिखाते हैं। वो पिछली चेन ऑफ टाइटल की डिटेलिंग नहीं दिखलाते, बिना उसके चेन ऑफ टाइटल के कैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले बैनामे और सेल डीड्स जो कि रिलेटेड होते हैं उस प्रॉपर्टी से, वो असल में ओरिजिनल कॉपी पार्टी के पास नहीं आ पाती। तो ये सब खामियां होती हैं जिसकी वजह से बाद में खरीदार को झेलना पड़ता है। इसके अलावा आपको खर्चा कम बताया जाता है, लेकिन जब आप खर्चा करने जाते हैं तो वो खर्चा ज्यादा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है ये आपको समझना पड़ेगा इस बात को। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो डीड राइटर्स होते हैं उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। नॉर्मली वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और LLB तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो उनको कानून की जानकारी कैसे होगी और कानून की कॉम्प्लिकेशंस को वो कैसे कंप्लाई करा सकते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीड राइटर्स को ड्राफ्टिंग करने का लीगल राइट नहीं होता है। वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते और अपने आप नहीं ले सकते कि ड्राफ्ट मैंने किया गया है। तो दोस्तों, इन सब चीजों में आपको सावधानी बरतना है। अपने बैनामा, एग्रीमेंट, वसीयत, गिफ्ट डीड जैसे डॉक्यूमेंटेशन सावधानी से कराने हैं और किसी एडवोकेट, एक्सपीरियंस एडवोकेट की मदद लेकर ही इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन कराना उचित हो। धन्यवाद। थैंक यू।